कोरोना काल में जहां महंगाई और दूसरी प्रॉब्लम्स ने लोगों को परेशान कर रखा, वहीं पेट्रोल ने भी एक बार फिर से लोगों को बेहाल करना शुरू हो गया है। राजस्थान में अब पेट्रोल 100 रुपये तक पहुंच गया है, यानी कि शतक लगा चुका है ये पेट्रोल। आज जयपुर में देखा जाए तो इस पेट्रोल का दाम बढ़कर बराबर 100 रुपये हो गया है, जबकि डीजल का दाम 93 रुपये 13 पैसे हो गया है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना काल में लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब पेट्रोल का शतक लगाना निश्चित तौर पर लोगों को और भी परेशान कर सकता है। सर, शतक लग गया आखिर? यही शतक, सवाल ये है, शतक जरूर लगा, क्या आप खुद भी इस शतक से खुश हैं? नहीं जी, इस चीज़ से कोई भी खुश नहीं है, ना ही पेट्रोलियम डीलर्स हैं ना ही कस्टमर हैं। क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स के लिए लोग बाग बोलते हैं कि पेट्रोलियम डीलर्स के लिए अच्छा रहेगा कि उनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों के मार्जिन्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं, वेरिएबल परसेंटेज बहुत कम है। तो हम लोगों के लिए भी जितनी रेट बढ़ रही है उतना नुकसान है, प्लस कस्टमर के लिए भी इसमें नुकसान है। कोविड में एक तरफ तो आदमी वैसे ही महंगाई की मार से मर रहा है, इलाज में मर रहा है, घर में उसके बीमारी है, हर तरफ से परेशान है, दूसरा पेट्रोल ने कमर तोड़ दी है सबकी। राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 36% और डीजल पर करीब 26% वैट ले वसूलती है, वैट प्लस अदर टैक्सेस, केंद्र सरकार का भी 26% का हिस्सा है। तो सर, क्या कम होने के आसार नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल है, लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं तो हम तो आपको यही कहेंगे कि सर, आप लोग खूब कमा रहे हैं इस वक्त, क्या सही है ये बात? यही बात गलत है कि पंप वालों को सब देख रहे हैं कि कमा रहे हैं, जबकि हम लोग तो अगर आप देखते हैं तो एक तरीके से सोशल सर्विस कर रहे हैं। सेल हम लोगों की 20% भी नहीं बची, पूरे स्टाफ हम लोगों के आ रहे हैं, 24 घंटे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। 12 बजे बाद तो हम लोग खाली इमरजेंसी व्हीकल्स को दे रहे हैं, और जैसा कि आप देख रखे हैं कि कोई भी इतनी देर से अभी तक एक कस्टमर भी हम लोगों के आया नहीं है। तो हम लोग तो खुद सर्विस में लग रहे हैं, मार्जिन्स हम लोगों के हैं नहीं, तो हर पंप वाला अभी लॉस में ही ऑपरेट कर रहा है। मार्जिन्स भी जैसे जैसे ये रेट बढ़ रही है, अगर आप देखेंगे 100 रुपीज़ पेट्रोल हो चुका, 93.13 डीजल है, स्पीड पेट्रोल तो 103 क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग के तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इसमें स्क्वीज डाउन हो चुके हैं, जिसके प्रति गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए ताकि हम लोगों के मार्जिन्स भी बढ़ें, तो हम लोग भी कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दें। प्लस डीजल के बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक के हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ चुकी है। अगर आप इसे देखेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आम आदमी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक आखिरी सवाल, कोरोना काल है, लोग परेशान है, बेहाल है, इकोनॉमी भी उस कदर से स्पीड अप नहीं कर पा रही है, इस बार फिर से वापस उसी जगह पे पहुंच गए जहां पिछले साल शुरुआत में थे, तो क्या सर कुछ कमी के आसार नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार इंक्रीज ही हो रहे हैं। सर, उम्मीद हम लोग भी कर रहे थे कि कहीं सरकार साथ देगी, लेकिन ऐसा कहीं होता नज़र नहीं आ रहा है। पर्टिकुलरली राजस्थान सरकार से भी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स हो चुकी हैं आज राजस्थान के अंदर, जिसके लिए गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए। एंड इफ पॉसिबल अगर सेंटर इसको एटलीस्ट GST में ले आए तो सबको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे। काफ़ी पुरानी मांग भी है कि पेट्रोल डीजल को GST में लाया जाए, लेकिन शायद राजस्थान सरकार ने पिछली बार 2% वैट घटा दिया था और यह कहा कि उसे 1,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने लग गया था, लेकिन अब जब चुनाव 5 राज्यों के ख़त्म हो गए, नतीजे आ गए, नई सरकार बन गई, तो उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। जयपुर में 100 रुपये पेट्रोल और डीजल 93 रुपये 13 पैसे तक पहुंच गए। अब बड़ा सवाल यही है कि आम लोगों को इस कोरोना काल में राहत मिले तो भी कैसे मिलेगी, कौन उस राहत को देगा, कितनी जल्दी यह राहत मिल पाएगी, सबकी नज़रें अब इसी पर है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।